हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहनिया क्रिएशन। आज के वीडियो में हम आपके साथ बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास, ये हमने दो तरह के फैब्रिक लिए हैं। ये हमारे पास लगभग 1 मीटर कपड़ा है जो हमारे सूट में से बचा हुआ है, इसी में से हम आज बेबी फ्रॉक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको किनारे से किनारे मिलाकर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमें इसको चौरा फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोर्थ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये आपको कर लेना है। तो चलिए अब निशान लगाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। तो हमें यहाँ पर घेर का पार्ट लेने वाले हैं। तो इसकी लंबाई हमने 13.5 इंच रखी है। मार्जिन हमने इसी में ऐड कर दिया है। ये देखिए, हमने 14 इंच यहाँ पर ये घेर काट लिया है। इसके बाद हम योक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये इस बचे हुए कपड़े में से हम ऊपर की चोली योक पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान लगाना है पहले। और ये जो हमने ऊपर 2.5 इंच का ऊपर से निशान लगाया है, ये ऊपर हमने 2.5 इंच की स्ट्रैप लगानी है, इसलिए हमने 2.5 इंच नीचे से निशान लगाना शुरू किया है। अब जो इस योक की टोटल लंबाई है वो 6 इंच है। तो आप देखिए, जो हमने किनारे की साइड ये निशान लगाया है, तो इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा रख के ये हम पीछे का पार्ट बनाने वाले हैं। तो इसको हम हुक पट्टी, आई पट्टी या बटन पट्टी, जो भी आप लगाना चाहते हैं, वो हमने ये वाली पट्टी इसी में अटैच कर दी। हम इसमें अलग से नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद ये हमने 3 इंच यहाँ पर 3.5 इंच रखा है। ये तीरा आप इसको बोल सकते हैं। ऊपर इसके 2.5 इंच की स्टेप आएंगे यहाँ पर तनी। तो टोटल 4.5 इंच यहाँ पर आर्म होल रखेंगे मुड्डा। तो जो हमारी चेस्ट है वो 22 इंच है। और ये नीचे से हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। और 0.5 इंच इसको हम डाउन करेंगे। इस तरह से हल्का सा गोलाई करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने कर ली है ये कटिंग। इन पट्टियों को हम अंदर की तरफ को फोल्ड करेंगे, इसको हम अलग से नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो इनको अलग से लगा सकते हैं। हमने इसी में साथ साथ ही ऐड कर दिया इनको। तो इस तरह से हल्के कट लगा लीजिए, फिर इन्हीं के अनुसार आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा। अब हम ये आगे वाला पार्ट काटेंगे। तो ये हमने बंद की साइड अपनी तरफ रखा है। ये देखिए, पीछे जो एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ निकाल के हम इसी के अनुसार इसको काट लेंगे। तो ये हमारे आगे वाले पीस की भी हो गई है कटिंग। ये आगे का पीस हमारा, इसको हम बंद रखेंगे। अब ये हमने लगभग 3 इंच की तनी काट ली है, जो कि पीछे लगाई जाती है बेल्ट बांधने के लिए। अब ये जो हमारे पास ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको हम इसी के डिज़ाइन में भी यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये आगे वाला पार्ट है, इसी के गले के साथ साथ हम इसको काटेंगे। और इस तरह से मुड्डे की शेप देते हुए ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। और 3.5 इंच दूर पर हमने इसी शेप में कटिंग की है। इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट के साथ भी इसको इसी तरह से काट लेंगे, 3.5 इंच। तो हो गई हमारी कटिंग। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें। तो इस कपड़े को इसके रोंग साइड रखते हुए एक पैर की सिलाई लगा लीजिए और हल्के हल्के कट लगाकर इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये इस तरह से किनारे वाली सिलाई लगाइए और इस तरह से लगभग 0.5 इंच अंदर की तरफ दबाते हुए एक किनारे वाली सिलाई लगानी है।
ये आगे का पीस हो गया। सेम इसी तरह से हमने पीछे के पीस पर भी लगा लेना है। और ये लगाने के बाद हम ये बटन पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बैक पीस हो गया। ये हमने नीचे से लगभग 1 इंच पर ये जॉइंट कर देना है। तो ये आगे पीछे के पीस हो गए हैं रेडी। इसके बाद जो हम घेर वाला जो हमारा पार्ट है इसको इस पर रखते हुए बारीक बारीक इसमें चुन्नट डालेंगे और पूरे पार्ट को योक से जोड़ देंगे। ये देखें इसी तरह से आपको जोड़ देना है। ये हमने दोनों पीस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से आपको करने हैं। अब इसके बाद ये हमने लगभग 2 इंच की उरेप पट्टी काट ली है। ये इसकी चौड़ाई जो है ये हमने 2 इंच रखी है। ये आपको आड़ी पट्टी काटनी है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें जो ऊपर वो स्टेप छोड़नी है 2.5 इंच की, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको बंद वाली साइड से निशान लगाना है और इसको इस तरह से मोड़ कर हल्का कट देंगे, या आप निशान भी लगा सकते हो। देखिए अब इसको ये रॉन्ग साइड रखते हुए इस तरह से ये जो निशान है ये हम ऊपर वाले पीस पर लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर निकालते हुए एक पैर की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो निशान है वो हमारा जो नेक बनाया हमने वहाँ से शुरू करना है निशान पे से। ये देखिए जैसे ये निशान है कुछ इस तरह से रखते हुए ये यहाँ से नेक शुरू करना है। जो फ्रॉक पीस है वो आपको उल्टा रखना है और इस पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से बाहर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए आर्म होल के साथ साथ ये हमारे स्टेप भी इसी के साथ जॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह से आप लोग दूसरी भी सिलाई लगा लीजिए, दूसरी स्टेप भी इसी तरह से लगा लीजिए। ये देखिए ये दोनों स्टेप हो गई हैं। इसके बाद जो ये हमने बेल्ट काटी थी इस पर सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से फोल्ड करके इसको यहाँ से ये कोना बनाते हुए टेढ़ी सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरी पर सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेना है। आप किसी भी नुकीली चीज़ से इसको निकाल सकते हैं। ये हमने दोनों कर लिया सीधी। तो ये लगभग 18 इंच लंबी हमने बनाई थी और 3 इंच चौड़ी इसको काटा था।